2014 है, फॉर्चुनर है, 4x2 ऑटोमेटिक गाड़ी है, BMW है हमारी 530i, ठीक है, पेट्रोल है, फर्स्ट ओनर है। ये है भैया हुंडई एल्काज़ार, ठीक है, ये हमारा है 2021 का मॉडल। ये है भैया अर्टिगा ZXi, टॉप मॉडल है, पेट्रोल हाइब्रिड रहेगी। ये गाड़ी है टिगोर ZXa+। भैया ये है वरना 2020। ये है भैया 2019 मॉडल है वैगनार का, होंडा सिटी ZX, ठीक है, मॉडल हमारा डेली रजिस्टर्ड है। तो भैया ये जो गाड़ी है ये हमारी जैगवार XF है 3.0। तो भैया ये हमारे पास सेकंड ऑडी है, Q3 है ये, ठीक है, ऑटोमेटिक है, 2017 है। So many people think they know me, but they only know my music. And there's so much opportunity, so hard to make the most of it. When you feel so depressed and your bed whispers just to stay in it. I think I've had enough of it, I know that I'm not gonna win. Surrendering my everything, I'm giving up, I'm giving it. Nobody understands what I'm going through. Can't explain when you don't come from it. हेलो, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं वैभव चौधरी ब्लॉग्स। सो आज आ गए हम द्वारका मोटर्स पर, जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेंगी आपको हर बजट की गाड़ियाँ। आज हम दिखाने वाले हैं लग्जरी गाड़ी भी, जैसे हमारी BMW हो गई, जैगवार हो गई, ऑडी हो गई हमारी। उसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ लग्जरी गाड़ियाँ रहने वाली हैं, कुछ हमारे मिडिल क्लास भाई भी हैं मेरी तरह, तो उनके लिए भी बजट गाड़ियाँ भी हमारे पास रहने वाली है, वैगन आर, अर्टिगा, काफ़ी गाड़ियाँ रहने वाली है। बाकी मिलते हैं यहाँ के ओनर से, दिखाते हैं। हेलो, कैसे हो आप? बस क्या नाम है, एक बार अपने व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारा। हमारा है, हमारी भैया शॉप है यहाँ पे द्वारका मोटर्स की, और मेरा नाम रोहित है। ठीक है, और कोई भी भाई आना चाहता तो एड्रेस क्या पड़ता है हमारा? ये हमारा एड्रेस पड़ता है द्वारका सेक्टर 20 में, HDFC बैंक के साथ में, बिल्कुल हमारा शोरूम है यहाँ पे द्वारका मोटर्स। ठीक है, हमारा लोन फैसिलिटी हो जाता है? हाँ जी, सारी तरह की फाइनेंस फैसिलिटी है, सारे बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है। तो कोई भी भाई आना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एड्रेस है, बाकी ज्यादा टाइम ना लगाते हुए देखते हैं हमारी गाड़ियाँ। मारुति सुजुकी वैगनार है, 2020 का मॉडल है, और जो इसकी रनिंग है वो है 50,000 की, डेली रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर है। जो इसकी आस्किंग है वो है 5,25,000 की, और ऑन टेबल नेगोशिएबल है। और आप देख ही सकते हैं कंडीशन बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की, क्रैशलेस कार है। तो भाई अर्टिगा हमारी बहुत डिमांड में रहती है, तो भैया बता दीजिए कौन सा ईयर है, क्या रहने वाली है डिटेल? ये है भैया अर्टिगा ZXi, टॉप मॉडल है, पेट्रोल हाइब्रिड रहेगी, डेली रजिस्ट्रेशन है, 50,000 चली हुई है। ठीक है, और जो हमारी डिमांड है इस गाड़ी के लिए वो है 9,50,000। भैया ये गाड़ी है टिगोर ZXa+, ठीक है, और ये स्टेशन है इसकी दिल्ली की, फर्स्ट ओनर है, 60,000 किलोमीटर चली हुई है जी। जिन भाइयों को छोटी गाड़ी चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, ये उनके लिए है, ऑटोमेटिक है क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल है। और जो इसकी आस्किंग है हमारी वो है 6,00,000 रुपए की। ठीक है, 6,00,000 में ये भी अच्छी डील मिलने वाली है आपको। ये है भैया 2019 मॉडल है वैगनार का, ठीक है, CNG है, और HR रजिस्ट्रेशन है, 39,000 किलोमीटर चली हुई है, विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड। और जो इसकी आस्किंग हम मांगते हैं वो है 4,75,000। ठीक है, 4,75,000 में ये मिल जाएगी आपको वैगनार। अभी होंडा सिटी ZX, ठीक है, मॉडल हमारा डेली रजिस्टर्ड है, और ऑटोमेटिक है ये, पेट्रोल है, प्लस CNG भी है। इसकी जो रनिंग है वो 90,000 किलोमीटर है। जो इसकी आस्किंग रहेगी वो लगेगी 4,20,000। ठीक है, ये भी काफ़ी ऑन टेबल हमारा हो जाएगा। जो भी भाई देख रहा है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। भैया ये है वरना 2020, ओके, ठीक है, फर्स्ट ओनर है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, और चली जो हुई इसकी रनिंग है वो 52,000 किलोमीटर है।
और जो इसका आस्किंग प्राइस है जो हम मांगते हैं वो है 11 लाख, ठीक है, सनरूफ के साथ है और बहुत ही अच्छी कंडीशन है, स्क्रैचलेस कार है बिल्कुल जी। तो भाई ऑन डिमांड आ गई है फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर में, बाकी डिटेल जानते हैं सर से, सर डिटेल क्या रहने वाली है हमारी भैया? ये है 2014 है, फॉर्च्यूनर है, 4x2 ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है, जो ये रनिंग है इसकी वो है 1,09,000 की, ठीक है, डेली रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है। जो हमारी आस्किंग रहेगी इसके लिए वो 12.5 लाख। ओके, वो भी नेगोशिएबल होगा ना सर हमारा? बिल्कुल नेगोशिएबल है, जो भी बेस्ट डील होगी ऑन टेबल हम वो नेगोशिएट कर देंगे। ये भैया हमारी है हुंडई एल्काज़ार जी, ठीक है, डेली रजिस्ट्रेशन है, 2021 है मॉडल इसका, ठीक है, 75,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है। और जो हमारी आस्किंग है इसके लिए वो है 16 लाख की। 16 लाख में ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है, बाकी हम ऑन टेबल कर सकते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। ये है भैया ऑडी Q3 जी, ऑटोमेटिक है, 2018 मॉडल है, डीजल, अच्छा, फर्स्ट ओनर है, 74,000 चली हुई है, 74,000 ड्रिवन के साथ मिलेगी, काफी अच्छी कंडीशन टायर वगैरह की, टायर्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नई कंडीशन है टायर्स की। हमारे व्यूअर्स को क्या इसकी आस्किंग रहेगी? इसकी आस्किंग जो है वो 19 लाख है, ठीक है, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है, बिल्कुल जो बेस्ट डील होगी वो आपको मिल जाएगी। तो भाई कोई भी लेना चाहता है तो जल्दी से कॉन्टेक्ट कीजिए। भैया हमारी BMW के बारे में बता दीजिए एक बार, कौन सी ईयर की रहने वाली है? ये BMW है हमारी 530i जी, ठीक है, पेट्रोल है, फर्स्ट ओनर है जी, HR रजिस्ट्रेशन है और 15,000 चली है सर, 2018 दिसंबर का मॉडल है, तो इसका एक भी स्क्रैच नहीं है पूरी गाड़ी पे, पूरी एक भी पेंटेड नहीं है कोई भी पार्ट, बिल्कुल इमेक्युलेट कंडीशन है इसमें, एक भी परसेंटेज। तो भैया हमारी व्यूअर्स के लिए क्या इसकी आस्किंग रहने वाली है? इसकी आस्किंग रहेगी भैया 39 लाख की, ठीक है, 39 लाख की आस्किंग है, ऑन टेबल हमारा बिल्कुल नेगोशिएबल होगा, जो भी बेस्ट डील होगी वो जरूर। तो भैया ये हमारे पास सेकंड ऑडी है, Q3 है ये, ठीक है, ऑटोमेटिक है, 2017 है जी, दिसंबर की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो इसकी रनिंग है वो है 70,000 की। और जो हमारी आस्किंग है वो इसकी रहेगी 16.5 लाख रुपए, ओनरशिप इसकी सेकंड रहेगी जी, और यूपी रजिस्टर्ड है, यूपी रजिस्टर्ड नंबर रहेगा हमारा। भैया ये है टोयोटा ग्लैंजा जी, जो वेरिएंट रहेगा इसका वो है जी वेरिएंट, डेली रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है, जो इसकी रनिंग है वो है 51,000 किलोमीटर। ठीक है, और जो आस्किंग है हमारी वो है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख में ये डील मिल जाती है आपको, नेगोशिएबल प्राइस होगा।